अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार ये बिरयानी रेडी होती है। ये नॉर्मल बिरयानी से काफ़ी डिफरेंट होती है, स्पाइसी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये बिरयानी मैं 1 kg चिकन और 1 kg राइस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मसाला बनाऊँगी। ये मैंने 1 kg बासमती राइस ले लिए हैं, इनको आधे घंटे के लिए सोक कर दिया है। 1 kg चिकन है और ये 2 तेज़पत्ते, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये मैं चावल के साथ ही डाल दूंगी। और चावलों में मैंने 4-5 चम्मच नमक डाल दिया है। इसके साथ मैंने इसको सोक करने रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब हम इसका मसाला देखते हैं। इसके लिए 1 कप तली प्याज चाहिए, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून शाह ज़ीरा, 1/2 टीस्पून to 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 स्टार एनिस या बादयान का फूल, 2 जावित्री के फूल, 10-12 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। इन मसालों को हम पीस लेंगे और इसके बाद तेज़पत्ता डालेंगे, तेज़पत्ता पीसने में नहीं डालेंगे। इसके अलावा मैंने लिया है 5-6 सूखे आलू बुखारे, ड्राइड प्लम। इसके अलावा हमें आलू चाहिए होंगे, बहुत बड़े आलू हों तो उनके 4 पीस कर लीजिए, छोटे आलू हों तो उनके 2 पीस कर लीजिए। उनको ऑरेंज कलर के वाटर में सोक करके और उसको थोड़े से ऑयल में मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, नहीं तो आपको चिकन के साथ भी इसको पका सकते हैं। मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, आपके घर में जैसे आपको आलू पसंद हो आप उतने आलू डाल सकते हैं। सिंधी बिरयानी का मसाला मैंने पीस के रेडी कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और जो तेज़पत्ते हमने निकाल के रखे थे ये मिक्स कर लेंगे, सूखे आलू बुखारे मिक्स कर लेंगे। बस सिंधी बिरयानी का मसाला रेडी है। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार मसाला ये बन के रेडी होता है। अगर आपको मेरी तरह बहुत ही खट्टी और चटपटी बिरयानी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी इमली भी सोक करके डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 3G पेस्ट, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन में 1 कप अच्छी तरह से फिटा हुआ दही मिलाएंगे, 3 to 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। अब जो सिंधी बिरयानी मसाला हमने बना के रेडी करा था वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अगर आपके पास टाइम हो तो आप आधे घंटे से ज़्यादा के लिए रख दें और अगर टाइम कम हो तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट ज़रूर मैरिनेट करें। इससे बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन रेडी होता है। अब जो तली हुई प्याज हमने रखी थी 1 कप, उसमें से हम थोड़ी सी बचा लेंगे और बाकी प्याज इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी तरह से चिकन में सारे मसाले मिक्स कर देंगे और इसको रख देंगे। अब हम एक बड़े भगोने में पानी बॉयल होने रखेंगे। तकरीबन 4 लीटर पानी मैंने लिया है और जो खड़ा गरम मसाला मैंने चावलों के साथ भिगोया था वही मसाला इसमें डाल दिया है। 4 टीस्पून मैंने फुल इसमें सॉल्ट डाला है, 2 टीस्पून आप इसमें ऑयल या घी डाल दें तो उससे चावल अलग अलग रहते हैं। अब जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो जो हमने चावल सोख करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज तल के निकाली थी वो ऑयल चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और इसमें अब हमने जो मैरिनेट करा हुआ चिकन रखा था, ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद वो मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। अब इसको ढककर 20 मिनट तक हमें पकाना है। कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और टमाटर आप मैरिनेट करते टाइम भी मिला सकते हैं, मैं ये अब डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर डाला है। सिंधी बिरयानी में ये हरा मसाला काट के डाला जाता है, जिंजर जुलियन, कटी हुई हरी मिर्च, लेमन स्लाइसेस, पुदीना धुला कटा और 2 मुट्ठी हरा धनिया।
इसके अलावा हमको लेमन स्लाइसेस के साथ टमाटर के स्लाइसेस भी चाहिए होंगे, ये हम परत में लगाएंगे। चावल बॉईल करते टाइम अगर आप इसमें 2 टीस्पून वाइट विनेगर डाल दें तो चावल बहुत खिला खिला और बहुत अच्छा बनता है। 2 टीस्पून देसी घी भी इसमें मिक्स कर दें। 80% तक आपका चावल जब गल जाए तो आप पानी ड्रेन कर दीजिएगा। दूसरी तरफ चिकन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें कटे हुए टमाटर, हरा धनिया, पुदीना डालकर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब जो हमने आलू कलर करके रखे थे फ्राई करके, वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। चिकन अब बिल्कुल रेडी है, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी लेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस चिकन से थोड़ा सा ऑयल हम पहले भगोने में नीचे डाल देंगे और फिर उसके बाद इसमें राइस की लेयर लगाएंगे। फिर जो चिकन हमने भून के रखा है चिकन की लेयर लगाएंगे, फिर चावल की तह लगाएंगे। अब जो हमने स्लाइस किए हुए टमाटर और नींबू, कटा हुआ अदरक, हरा धनिया, हरा मिर्चा, पुदीना रखा था उसकी लेयर लगाएंगे। कोशिश करिएगा कि आपको मोटी हरी वाली मिर्चें मिल जाएं, वो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। मुझे नहीं मिली थी तो मैंने बारीक वाली डाली। फिर उसके बाद इसमें चावल की लेयर लगाएंगे। 2-3 टीस्पून के ओडे में मैंने ऑरेंज कलर मिला के रखा है, वो इस तरह से इसमें फैला के डाल देंगे। और जो हमने सिंधी मसाला तैयार करा था वो मैंने 1 टीस्पून बचा लिया था, वो भी अभी हम ऊपर से इसी में स्प्रेड कर देंगे। इसके अलावा तली हुई प्याज इसमें डालेंगे और मैंने 2-3 टीस्पून बस इसमें अब इसमें ढक्कन लगाकर इसको दम दे देंगे। गूंदा हुआ आटा लेके उसको इस तरह से मैंने किनारे सील कर दिए इसके। अब इसको धीमी आंच पे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है। देखिए कितनी मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही चटपटी, बहुत टेस्टी बिरयानी बनकर रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Please like, share and subscribe.